60% का डेफिसिट जो प्रेशर आएगा, जो जो जिन आएंगे और जो शैतान आएंगे और जो दुश्मनी आएगी, कैसे हैंडल करना है? फिर रोए नहीं, नहीं जी ये तो लिखा नहीं था, अल्लाह ने हेल्प नहीं की। आप पे अल्लाह तो कहता है ज़ुलज़िलू मस्सत हुमुल बासा व ज़र्रा व ज़ुदुर, ज़लज़ले तो आएंगे फैसलों के ऊपर। ये तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ने बातिल को इजाजत दी है कि तू ज़लज़ले दे यहां पर। आप ख्वाब बड़ा देखे, लेकिन लोग ख्वाब भी बड़ा देखते हैं और स्ट्रेटेजिकल मूव भी बड़ा मार देते हैं आगे से। भाई आपके मक्के के अंदर क्या था? ईमान नहीं था, अकीदा नहीं था, नजरिया नहीं था, नहीं इस्तेआत ही नहीं थी, जिहाद नहीं कर सकते, रुके नहीं, फैसला किया अल्लाह की शरीयत, शराब को हराम कराया, दर्जा बदर्जा कराया, आहिस्ता आहिस्ता कराया। इसी तरीके से कभी कभी कुछ जंगें लड़ने की नहीं होती, कुछ जवाब देने के नहीं होते, कुछ जगहों पर रिटेलिएशन नहीं बनती, कुछ जगहों के ऊपर थप्पड़ का जवाब नहीं बनता, कुछ जगहों के ऊपर अभी ये वाली अपॉर्चुनिटी। अच्छा लोग काम करना शुरू करते हैं जिंदगी के अंदर, थोड़ा सा 10% चलते ना 20% और 50 अपॉर्चुनिटी आती है, तो दिमाग इधर उधर इधर उधर जाना। और भाईजान टिके रहें, आपकी अभी इस्तेआत नहीं है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को लेके चले। अभी आप 5 लाख की 7 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, अचानक 25 लाख की गाड़ी की ऑफर आ जाए, कैसे चाहिए आपको, दिमाग वहां जाना शुरू, नहीं भाई आप नहीं ले सकते, अभी 50 लाख रुपए है नहीं जिसे 25 लाख की गाड़ी, तो कैसे वो मार दिया आपने आगे। तो वो 25 लाख को 5 लाख की औकात को जब 25 लाख की आप गाड़ी लेंगे, तो वो 20 लाख ऊपर का जो डेफिसिट आ रहा होगा, उसका प्रेशर, उसकी टेंशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी उसके जो लेंडिंग और जो लोन ऊपर जो आएंगे और जो जो कैसे हैंडल करें, इस्तेआत के मुताबिक चलें, 20% ऊपर चले जाएं अपनी इस्तेआत के तो ठीक रहेगा, इससे ग्रोथ भी होगी। और बिल्कुल इस्तेआत में मुकय्यद भी ना 20% है, 35 पर जाएं। तो फैसलों के अंदर इस्तेआत को कैलकुलेट करें, वसाइल को कैलकुलेट करें। पाकिस्तान के भी बहुत से वसाइल ऐसे नहीं है, इस्तेआत नहीं है, बहुत से बड़े बहुत बड़े पंगे नहीं ले सकते इस टाइम पर। गाँव में बैठ के कह रही थे क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, भाई इसलिए नहीं हुआ मेरी इस्तेआत नहीं है। और इस्तेआत शरीयत का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो तवक्कुल भी इस्तेआत के, ईमान ईमान भी इस्तेआत के मुताबिक, भाई आपने तवक्कुल अल्लाह के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस, बिलीव तवक्कुल नहीं, प्रैक्टिस तवक्कुल 20%, 80% का तवक्कुल लेके आपने जी बिस्मिल्लाह कर दिया आगे से। 60% का डेफिसिट जो प्रेशर आएगा, जो जो जिन आएंगे और जो शैतान आएंगे और जो दुश्मनी आएगी, कैसे हैंडल करना है? फिर रोए नहीं, नहीं जी ये तो लिखा नहीं था, अल्लाह ने हेल्प नहीं की। आप पे अल्लाह तो कहता है ज़ुलज़िलू मस्सत हुमुल बासा व ज़र्रा व ज़ुदुर, ज़लज़ले तो आएंगे फैसलों के ऊपर। ये तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ने बातिल को इजाजत दी है कि तू ज़लज़ले दे यहां पर। आपको क्या कहे, अला इन्ना नसरल्लाही करीब, उम्मीद रख के तेरे अल्लाह की मदद करीब। अब उसकी उम्मीद 20% पे खड़ी है, वो 80% की जंग ले लिया आप। तो भाईजान ये इस्तेआत को मलूजे खातिर रख के चलना ही असल फैसलों के अंदर इस्तकलाल और वजन लेके आता है।